ये नारियल का तेल है और इसको अभी मैं धूप में रख दूंगी निकाल के, तब तक ये पघल जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ, देखिए मेरे बच्चे के माताजी भी निकल आई हैं और अब तो आराम है थोड़ी, और बहुत बड़ी बड़ी निकली थी माताजी, तो इसमें बहुत समस्याएं चल रही है हमारे घर में। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कितनी, देखिए यहाँ पे चोट लगी थी ये पैर में, जैसे कपड़ा बांध दिया है और जिससे इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। हाथ दिखा, हाथ में देखिए कितना है, और ये चेहरे पे, चेहरा आप लोग देख सकते हैं, अब ये सूख चुके हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े फफ्फा जैसे निकले थे, और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं पीछे, देखिए कितनी निकली है और सही होने लगी है। बहुत समस्या रही थी, बहुत बोल भी नहीं पाता था, मुंह में भी छाले निकले थे, ऐसे ही माताजी निकली हैं, बहुत कस के निकली थी, और सर में भी है, तो सर में बालों की वजह से नहीं दिखाई दे रही हैं, और आप देख सकते हैं आपका, ये देखिए पूरे शरीर में निकली थी, दोनों हाथों में, और चेहरा देखा पर, जूम करके आप हमारी भी आ गई है, और ये माता जी भी निकली हैं, कितनी पेज पूरा चेहरा अब तो सही होने लगी हैं, तो दिखाई नहीं दे रही हैं। पूरा चेहरा एरा खराब कर दिया था, और बोल भी नहीं पाता था, मुँह में भी बहुत छाले निकले थे, और अब तो सही हो रहा है, तो इसको आज थोड़ा बहुत दिनों के बाद धूप में बैठाला है इसको, और ये हमने नीम का पानी गर्म किया था, और इसी से इसका पूरा शरीर अभी रुमाल की सहायता से निचोड़ दिया, जोरों तो पानी ऐसे इसको थोड़ा पोंछ दूंगी ऐसे, क्योंकि अब सही होने लगी हैं, तो इसमें खुजली भी पड़ती है, तो नीम का पानी मैंने गर्म किया था और उसी से इसको सफाई कर दूंगी पूरे शरीर की आराम आराम से, और फिर नारियल का तेल लगा दूंगी। बहुत समस्या चल रही है आजकल हमारे घर में, सारे शरीर को मैंने नीम के पानी से पोंछ दिया है एक रूमाल की सहायता से, और ये हमारा नारियल का तेल है जो मैंने धूप में रखा था, तो उसी को मैं रुई की सहायता से पूरे शरीर में लगा दूंगी, और ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है, जो थोड़ा बहुत पता है वही लगा देती हूँ। अगर कोई मेरा वीडियो देखती हैं माताएँ बहनें जिनको कोई नुस्खा पता है, तो घरेलू वो ज़रूर बताएँ, माता जी निकली हैं तो अब खुजली भी होने लगी है हल्की हल्की, तो जो भी मुझे पता है वो मैं कर रही हूँ, और आप लोग कमेंट में बताइएगा।
मेरा वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।